हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप ये मेरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और इसे देखने के बाद आपको ये ज्ञात होगा कि इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। बात करते हैं अब उन प्रश्नों की। पहला है आपका कि भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ कि भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है, और इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूँ कि इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार में लड़की के जन्म लेने पर उस बच्ची के नाम पर 50,000 रुपये का बॉन्ड जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला है आपका कि हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किसे नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया है, यानी उप कुलपति। इसका उत्तर है विजय पी भटकर, यानी डॉक्टर विजय पी भटकर। ये उप कुलपति हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, जबकि कुलपति सुनैना सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश में थ्री पेरेंट बेबी तकनीकी को मंजूरी दी गई है। फिर से मैं पढ़ दूं, ये हाल ही में किस देश में थ्री पेरेंट बेबी तकनीकी को मंजूरी दी गई है, और इसका जो उत्तर है वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट है आपका कि 7 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर देश के सबसे बड़े सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया, और ये किया भरूच में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की गई, और उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, किस देश में अरुण तीन जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी, और उत्तर है इसका नेपाल। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना में सम्मिलित होने वाला 27वां राज्य कौन सा है, और वो 27वां राज्य है आपका मिजोरम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई है, और उत्तर है आपका झांसी, अलीगढ़ और इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस, ध्यान दें उत्तर प्रदेश दिवस, किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है, और आंसर है इसका 24 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नकदी रहित व्यवस्था पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, और इसका जो उत्तर है वो है गुजरात। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एडामा बारो में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, और इसका उत्तर है गाम्बिया। नेक्स्ट आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, और इसका उत्तर है श्रीलंका। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में दक्षिण भारत की पहली बाल अदालत का उद्घाटन किया गया कहाँ पर, और इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत की किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है, और इसका उत्तर है एवियन इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख धार्मिक शहरों के विकास के लिए नगर पालिका को अब नगर निगम का दर्जा दे दिया है, और उत्तर है इसका मथुरा, वृंदावन, फैजाबाद, अयोध्या। मथुरा वृंदावन यानी पहला, मथुरा वृंदावन, फैजाबाद, अयोध्या। इसके साथ ही नगर निगमों की संख्या जो है वो 16 हो जाएगी, इसके पहले 14 थी, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य हो गया है, यह कानून किस तारीख से प्रभावी होगा, और यह होगा 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने किस में से निम्न में से कौन सी नुकसान में चल रही बैंक को नई शाखाएं खोलने और नए कर्मचारियों को नियुक्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है, और इसका जो उत्तर है वो है आईडीबीआई बैंक। क्यों? क्योंकि इसका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट।
जो होता है वो काफ़ी बढ़ गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नौसेना के कौन से पोत को ब्रिटेन भारत संस्कृति वर्ष कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय नौसेना के कौन से पोत को ब्रिटेन भारत भारत संस्कृति वर्ष का कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया, और इसका उत्तर है INS तरकश। नेक्स्ट है आपका, रेल का टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में ना लगना पड़े, इससे बचने के लिए IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने एक नई सेवा शुरू की। IRCTC किस वर्ष बनी, यानी इसका स्थापना का वर्ष क्या है, और ये है 1999, याद रखें 1999। नेक्स्ट है और अंतिम है कि मून जे इन को किस एशियाई देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न कि मून जे इन को किस एशियाई देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, और इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। तो ये थे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड करेंट अफेयर्स फॉर UPPCS प्रीलिम्स 2017 के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं, कोई सुझाव वो भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों, बाय।